हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सरगम म्यूजिक जॉन चैनल में। दोस्तों आशा करता हूं परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे दोस्तों। तो दोस्तों, आज फिर से लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए एक नए अलंकार के साथ और एक बेहतरीन अलंकार के साथ। ठीक है दोस्तों, ये जो अलंकार है आज का, अलंकार नंबर 10 और अलंकार लेसन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन अलंकार, बहुत ही खूबसूरत अलंकार। दोस्तों शुरू करेंगे मध्य सप्तक की पहली काली यानी शी शार्प से। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों इसके स्वरों को एक बार समझ लीजिए, इसमें कौन कौन से स्वरों का प्रयोग करते हैं। आप हारमोनियम पर जरूर देखिएगा, और आशा करता हूँ पिछले लेसनों का आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके स्वरों को एक बार समझ लीजिए, उसके बाद इसका आरोह और अवरोह मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो ये अलंकार मध्य सप्तक की पहली काली शी शार्प से शुरू करेंगे, थाट बिलावल में। तो दोस्तों हमें इस अलंकार में क्या करना है आप लोग सुन लीजिए। देखिए हमें क्या करना है, देखिए ये सा है हमारा, हमें एक स्वर छोड़ के गा पर जाना है। क्या करना है, एक स्वर छोड़ के गा पर। ठीक है, और उसी प्रकार हम स्वरों की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे सबसे पहला हमारा सा है, सा स्वर, एक स्वर छोड़ के गा। फिर हमारा अगला स्वर आ जाता है रे, तो एक स्वर छोड़ के हमें क्या करना है, फिर मा, ये मा प्ले करना है। देखिए सा गा, एक स्वर छोड़ के फिर रे मा, फिर एक स्वर छोड़ के गा पा। ठीक है, ये हमारा मा छोड़ दिया तो फिर पा, फिर मा और धा। देखिए एक स्वर छोड़ना है हमें, ऊपर को भी बढ़ते जाना है और जो है एक स्वर छोड़ते जाना है इस अलंकार में। ठीक है, तो कैसे, देखिए मा और फिर पा। ठीक है, फिर पा नी, ठीक है पानी, फिर धा और ये सा। ठीक है, तो इसमें हमारा ये अलंकार कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, एक एक स्वर छोड़ते हुए और एक एक स्वर आगे बढ़ते हुए इस अलंकार को हम करेंगे। देखिए सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा। ठीक है, ये आरोह होगा। देखिए आरोह कैसे होगा, फिर सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब अंदाज है इस अलंकार का, और दोस्तों इस अलंकार में मिठास भी बहुत है। अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपकी गायकी में, आपकी आवाज़ में, ठीक है, मिठास आएगी और आप काफ़ी हद तक अच्छा गाना बजाना लगेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है इस अलंकार की खूबसूरती, देखिए सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। दोस्तों इस अलंकार की एक खूबसूरती है, इस तरह से आवाज में मिठास आएगी आपके। देखिए इसका आरोह आरोह अवरोह देखें आप लोग, फिर मैं आपको इसका जो है बहुत ही स्लोली तरीके से मिठास के जो गुण हैं वो बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सा गा, एक स्वर छोड़ के और एक स्वर आगे बढ़ते हुए सा गा। देखिए रे मा गा पा मा धा पानी धा सा। ठीक है, ये आरोह होगा, फिर अवरोह सा धा
नी पा धाम पाग मारे गासा। ठीक है, फिर देखिए आरो इसका, देखिए सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा धा नी पा धाम पाग मारी गासा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक एक स्वर आगे बढ़ते हुए एक एक स्वर को छोड़ते हुए इस अलंकार का अभ्यास करेंगे, अलंकार नंबर 10। ठीक है दोस्तों, फिर देखिएगा सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा धा नी पा धाम पाग मारी गासा। बहुत ही प्यारा अंदाज, फिर देखें स्लोली स्लोली इस अंदाज को, देखिए सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। ठीक है, सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा धा नी पा धाम पाग मारे गासा। सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा धा नी पा धाम पाग मारे गासा। ठीक है, ऐसे इसका अभ्यास करेंगे और एक बार इसको आकार में करते हैं, देखिए आप लोग ठीक है, ऐसे आकार में करेंगे ठीक है दोस्तों, ऐसे इस अलंकार का अभ्यास करेंगे, बहुत ही लाजवाब बहुत ही खूबसूरत अलंकार है, आशा करता हूँ आप लोग जरूर अभ्यास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके स्वरों को एक बार मैं रिटर्न में आप सभी लोगों को बता देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जरूर अभ्यास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके स्वरों को आप समझे, इसका आरोह अवरोह देखिएगा दोस्तों, देखिए अलंकार नंबर 10 नंबर 10 है ये। ठीक है दोस्तों, थाट बिलावल में ठीक है दोस्तों, सी शार्प से, ठीक है पहली काली, तो इसका आरोह होता है, आरोह लिखेंगे देखिए सा गा रे मा
गा पा माधा पानी धासा। ठीक है, ये इसका आरोह होगा, फिर अवरोह, अवरोह होगा साधा नीपा धामा पग मारे गासा। देखिए ये इसका आरोह और अवरोह होगा। बहुत ही प्यारा जो है अलंकार है, बहुत ही खूबसूरत इसका अंदाज है। सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धासा साधा नी पा धामा पग मारे गासा। ठीक है दोस्तों, तो जरूर इसका अभ्यास करें। और दोस्तों बने रहिएगा चैनल पर, जुड़े रहिएगा अगली वीडियो आने तक। जहाँ कहीं भी हो दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।